हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रोन टैक डॉक्टर वंस अगेन। तो आज फिर से मैं लाया हूँ आपके लिए एक M30S का वीडियो फिर से। अब ये इस वीडियो का मेन जो मोटिव है या मेन मैसेज यही है कि आपको 2020 में ये फ़ोन लेना चाहिए या नहीं। मेरे को इसको फ़ोन को यूज़ करते हुए ऑलमोस्ट 5-6 महीने हो चुके हैं और इसमें मैं अपना एक्सपीरियंस फाइनल वाला शेयर करने वाला हूँ आपसे कि 6 महीने में आप क्या एक्सपीरियंस है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाता है। काफ़ी लोग कहते हैं कि सैमसंग के फ़ोन विद टाइम स्लो हो जाते हैं या कम हो जाते हैं या कुछ भी हो जाता है, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस फ़ोन में क्या है मेरा एक्सपीरियंस। और इससे रिलेटेड मैंने बहुत वीडियोस बनाए हैं, और जिस जिसके बाद ये फ़ोन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो बताएं, और अगर आप खुश हैं संतुष्ट हैं तो वो भी लिखें। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट फ़ोन ऑफ 2019 इन मिड रेंज। मिड रेंज में होने मिड रेंज होती है जो 13 से 15 के बीच में फ़ोन मिलते हैं, उसमें इसमें इतनी कुछ चीज़ें दे दी हैं, इसके मुकाबले का फ़ोन नहीं आया है। और आपके मन में अगर विचार है इसको लेने का तो ले लें। मैं इसको 6-7 महीने से यूज़ कर रहा हूँ। अब काफ़ी नेगेटिविटी इसके बारे में फैलाई हुई है यूट्यूब के ऊपर, तो वो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस सच बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे सैमसंग ने पैसे नहीं दे रखे उसको बताने के लिए। मैं एक आम ग्राहक हूँ जिसने बड़ा ढूंढ ढूंढ के मिड रेंज में फ़ोन लिया। ये मेरा सेकेंडरी फ़ोन है, मेरा प्राइमरी फ़ोन iPhone XS है, तो ये मेरा मेन फ़ोन है, इसको मैं यूज़ करता हूँ। लेकिन मुझे एक मिड रेंज फ़ोन की तलाश दी जो मुझे काफ़ी कुछ इसके जैसा दे दे लेकिन मिड रेंज में प्राइस रहे, तो काफ़ी कुछ इसने मुझे इस फ़ोन जैसा इसमें प्रोवाइड करवाया। आई एम फॉन्ड ऑफ OLED डिस्प्लेज, जैसे इसमें है वो इसमें मुझे मिल गया, ज़बरदस्त डिस्प्ले, क्योंकि मैं वीडियो वॉच करता हूँ। और हो सकता है आपकी भी काफ़ियों की ये चॉइस हो कि हमें वीडियोज़ अच्छी स्क्रीन OLED पे स्क्रीन डिस्प्ले पे देखना है। OLED का बहुत फ़ायदा होता है एज़ कम्पेयर टू LCD, कलर्स अच्छे आते हैं, आपकी आईज़ पे स्ट्रेन कम पड़ता है और बैटरी कम खाता है OLED, तो मतलब आप ज़्यादा देर तक इसमें वीडियो देख सकते हैं, ज़्यादा बैटरी कम यूज़ किए इस पर वीडियो देख सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा फीचर है जो मुझे इसमें पसंद आया। और इसके अलावा इसमें बैटरी आपको वो इसके भी मात दे देता है, इसमें बहुत छोटी बैटरी है, 6000 mAh की बैटरी है जो कि आपका साथ देती है पूरे दिन तक और उसके आगे भी, यानी 2 दिन का आराम से मैं बैकअप इसमें लेता हूँ विद यूज़ ऑफ, मतलब वीडियोज़ में देखता हूँ, कॉलिंग करता हूँ, वीडियो कॉलिंग करता हूँ, गेमिंग भी कभी भी कर लेता हूँ, तो सब कुछ मुझे प्रोवाइड करवाता है ये फ़ोन, तभी मैंने चूज़ किया था। तो आपके मन में अगर आ रहा है तो मैं आपको अपना ट्रू एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि 6 महीने में मुझे अब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हाँ, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं, वो इस फ़ोन पे नहीं हर एक फ़ोन पे अप्लीकेबल होते हैं, वो मैं टाइम टू टाइम बताता रहता हूँ। फॉर एग्जांपल, काफ़ी लोग कहते हैं हमें पहले बैटरी का बैकअप अच्छा मिल रहा था, अब नहीं मिल रहा, तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ कार्ड्स के ऊपर है कि कैसे पावर पॉइंट और कैसी टिप्स हैं इसकी बैटरी को अच्छा बैकअप दे यूज़ करने के लिए। वो इसी पर यूज़ नहीं होती, अगर आपका कोई भी मोबाइल है तो अगर आप वो टिप्स यूज़ करेंगे तो आपको बैटरी का बैकअप अच्छा मिलेगा, इस पर तो मिलेगा ही मिलेगा वो यूज़ करके। ऑन द अदर हैंड, अगर आप वो यूज़ नहीं करते तो विद टाइम कुछ ना कुछ जो मैंने बताई हैं बातें, जैसे इसमें इकट्ठा होता रहता है मेमोरी, मतलब वेस्ट में यूज़ रहती है ऐप्स की वजह से, तो वो आपको मैंने सारी टिप्स बताई हुई हैं, कार्ड्स के ऊपर हैं, आप जाके देख सकते हैं। वो अगर आप फॉलो करेंगे तो ना तो ये स्लो होने वाला फ़ोन है, ना इसका बैकअप कम होने वाला फ़ोन है, बहुत ही बेहतरीन फ़ोन है। अब सबसे बड़ी बात जो बहुत ज़्यादा फैली हुई है, नेटवर्क का इशू। मुझे आज तक कोई भी नेटवर्क का इशू इसमें नहीं आया। जो नेटवर्क की रिसेप्शन इसमें मुझे मिलती है वही नेटवर्क की रिसेप्शन मुझे इसमें मिलती है, कोई इशू नहीं है। अब कई बार क्या हो रहा है, काफ़ी लोगों के पास जो लिख रहे हैं हमारे पास नेटवर्क इशू है, तो वो उसके बहुत सारे रीज़न हैं, खाली फ़ोन की प्रॉब्लम से नेटवर्क का प्रॉब्लम नहीं होता। कई बार ऐसा होता है आपका जो सिम है, मैं कई बार पूछ रहा हूँ, सिम के अंदर आपके घिस जाती हैं, वो जो चिप होती है वो घिस जाती है, उसकी वजह से भी नेटवर्क के इशू आते हैं। तो जिसको वो इशू हो रहा है तो वो अपने नंबर की नई चिप ले ले, नया सिम ले ले और फिर टेस्ट करे और फिर बताए अगर आपको इशू आ भी रहा है। हो सकता है काफ़ी फ़ोन्स में कोई आपका टेक्निकल इशू हो, किसी पीस के अंदर हो सकता है, वो मैं नहीं कह रहा, दैट इज़ योर लक। बट ऑन द होल लोग अगर कहें कि नहीं जी तो हमने लेना ही, इसमें तो नेटवर्क ख़राब है, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें नेटवर्क बहुत अच्छा है और नेटवर्क का कोई इशू मुझे नहीं है। अब अलग इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका लुक वाइज, तो लुक इसकी मुझे बहुत अच्छी लगी और ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगा। स्लिम डिज़ाइन है, पतला डिज़ाइन है, मुझे बल्कि फ़ोन नहीं पसंद, और आई थिंक मेरे साथ काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिनको बल्कि फ़ोन नहीं पसंद है, बट स्टिल बिना बल्क बढ़ाए स्लिम फॉर्म फैक्टर में ये बहुत कुछ करता है। 6.45 इंच का इसका डिस्प्ले है, दैट इज़ मोर देन इनफ, और इसके साथ आपको इतना अच्छा कलर, OLED डिस्प्ले, 6000 mAh की बैटरी और क्या चाहिए।
तो ये तो सर, अब आते हैं कैमरे के ऊपर। कैमरा भी इसका जिस हिसाब से पैसे हैं जो, और जिस हिसाब से गैजेट है, बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है। इस पे मैंने सैम्पल शेयर किए हुए हैं, अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, वीडियो का भी और फोटोग्राफी का भी। तो इस रेंज के हिसाब से, इस पैसे के हिसाब से जो बजट है उस हिसाब से कैमरा बहुत अच्छा है। तो कैमरे का भी मैं, चाहे फ्रंट की बात करें चाहे बैक की बात करें, और आप कंपेरिजन की बात करेंगे तो बैक वाला ज़्यादा अच्छा है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि फ्रंट वाला बेकार है। मैंने बहुत सारी सेल्फी यूज़ करके इसमें अपलोड करी हुई है, आप देख सकते हैं वीडियोस, व्लॉग भी बनाया हुआ है इसके ऊपर इवन। अब बात आती है लास्ट में, इसका अपडेट्स वगैरह तो इसमें आ ही रही हैं। कौन सी बात थी जो निकल गई दिमाग से, वाईफाई कॉलिंग की बात हो रही थी, मैंने वाईफाई कॉलिंग पे इसमें, तो फ्रेंड उसके लिए मैंने आपको तीन फैक्टर्स बताए थे कि वाईफाई कॉलिंग ऐसे ही ऑन नहीं हो जाएगा। सबसे पहले आपको फ़ोन को अपडेट करना है, अगर आपका अपडेटेड नहीं है, क्योंकि अपडेटेड वर्जन में वाईफाई कॉलिंग वाला ऑप्शन आएगा। वो ऑन करने के बाद सेटिंग में जाके उसको ऑन करना है। अब वो चलेगा या नहीं चलेगा, दैट डिपेंड्स अपॉन योर एरिया, क्योंकि ये कई एरियाज में शुरू हो गया, कई एरिया में शुरू नहीं हुआ है। और तीसरा कंडीशन है, आपके पास ब्रॉडबैंड होना चाहिए, जो पीछे लगा हुआ हमारे, मेरे पास जियो का जियो फाइबर है, बेहतरीन नेटवर्क है। जिसने जियो फाइबर के बारे में वीडियो देखने हैं वो भी देख ले, मैंने वीडियोज़ बनाए हुए हैं इस पर, क्योंकि हम टेक शेयर करते हैं। तो ड्रोन टेक डॉक्टर ऐसे नहीं है, ड्रोन है, टेक से जो टेक्नोलॉजी मैं यूज़ करता हूँ, जियो फाइबर पर भी मैंने सारे वीडियोज़ बना रखे हैं। तो ऐसा ब्रॉडबैंड आपको चाहिए, कोई भी ब्रॉडबैंड हो, जियो का ज़रूरी नहीं है। तो तीन चीज़ें आपकी पूरी होनी चाहिए, तब वाईफाई कॉलिंग आपकी काम करेगी। और अगर आपको फ़ोन में ऑप्शन नहीं मिल रही, इसका मतलब है आपका फ़ोन अपडेटेड नहीं है। सॉफ्टवेयर को अपडेट करें और फिर देखें कि वाईफाई कॉलिंग ऑप्शन सेटिंग में आ रहा है या नहीं आ रहा। जिस जिसने वाईफाई कॉलिंग ऑन कर लिया, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें कि यस हमने कर लिया है, और जिस जिसने यूज़ किया वो भी बताया था किस तरह से रिसेप्शन आपकी बढ़ रही है वाईफाई कॉलिंग के ऊपर। तो नाउ सारे पॉइंट्स मैंने ऑलमोस्ट ले लिए हैं, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट फ़ोन इन दिस सेगमेंट। जिसने नहीं लिया और सोच रहा लेने की, बेहतर लें, क्योंकि 2020 में अभी तक तो इसके मुकाबले का फ़ोन आया नहीं है। और अब बात करते हैं जो मुझे लग रहा है अच्छा फ़ोन आने वाला, वो मिड रेंज में नहीं है, थोड़ा ऊपर जा रहा है, दैट इज़ नोट 10 लाइट। अराउंड 35, 36 या अराउंड 40 के आसपास रेंज है, 36 40 के बीच में मिलेगा। दो मॉडल्स हैं उसमें, मुझे लोअर मॉडल 6 GB वाला मोर देन इनफ है, एंड आई एम फॉन्ड ऑफ स्टाइलस, मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है उसमें फीचर जो नोट 10 हाई एंड फ़ोन में जो उसमें उन्होंने दिए हैं। तो जो जो चाहता है कि यहाँ पर अनबॉक्सिंग नोट 10 लाइट की, कमेंट बॉक्स में लिखें। तो अगर आपको रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो आपको जैसे भी डिटेल वीडियोज़ इसके मिले हैं तो उसके भी आपको डिटेल वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो आपको पसंद आएगी वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।